एक बार सब नाम लो, नाम बोलो, कौन कौन लैपटॉप से यूज कर रहा है? लाइबा, लाइबा मैंने आपको कर शुभम, दिया है। अनुराग, ओके। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन एंड हो गया था लास्ट क्लास में। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में फंक्शन पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है, उसके बाद हमने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है और एक इंटीग्रेशन पार्ट। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा ये। आप मैथ्स में पढ़ोगे पूरा डिटेल में, बट मैथ्स में टाइम है इसलिए हम पहले से पढ़ के रखेंगे इसको, थोड़ा जितना फिजिक्स में यूज में होगा इसका। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम में आता रहेगा आपको बाद में। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसको बेसिक वे में समझते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। So, जैसे डिफरेंशिएशन का नाम से मीनिंग समझो, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट कर देना, सब छोटे छोटे पार्ट्स को जॉइन कर देना। इंटीग्रेट मतलब जॉइन करना और डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करना। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। जैसे मान लो नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, जैसे मेरे पास एक स्केल है, एक रोड है मेरे पास, इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, एक रोड है इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, पर जो मेरे पास स्केल है वो इससे छोटा है, मेरे पास जो स्केल है वो इसकी रोड की लेंथ से, स्केल जिससे हम लेंथ मेजर करेंगे वो इससे छोटा है, तो फिर कैसे मेजर करेंगे बताओ? इसी स्केल का यूज कर लो। कैसे मेजर करेंगे हम? क्या करेंगे, इसको चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर, जैसे 1, 2, 3, 4 के चारों पार्ट की स्केल से लेंथ मेजर कर लेंगे। 1 ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये फोर्थ की। तो मान लो इसकी लेंथ आई L1, इसकी लेंथ आई L2, इसकी लेंथ आई L3, इसकी लेंथ आई L4। तो हमने क्या किया लेंथ मेजर करने के लिए, पहले इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, L1 L2 L3 L4 और सारी लेंथ। अब इस स्केल से मेजर कर सकते हैं, मान लो इस पार्ट की लेंथ आई L1, इसकी लेंथ आई L2, इसकी लेंथ आई L3, इसकी लेंथ आई L4। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये हो जाएगी टोटल लेंथ। हेलो सर, क्या कुछ डाउट है? सर नहीं, क्वालिटी थोड़ा बुरा आ रहा है। हाँ सर, कुछ समझ ही नहीं रहा। बुरा, सबको सबको साफ नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, आपका नेट का प्रॉब्लम है। सर आ रहा है, क्वालिटी अच्छा आ रहा है। हाँ बराबर अच्छा आ रहे, मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क फुल आ रहा है, जिनको साफ नहीं दिख रहा शायद उनके नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सबको बेकार दिख रहा है क्या? नहीं सर। हाँ नो सर, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना बाद में जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। ठीक है चलो, तो हमने क्या किया, चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और उन चारों पार्ट की लेंथ को ऐड कर दिया। तो इसके डिवीजन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिवीजन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करना। हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उन सबको ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएट में हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इंटीग्रेशन में उनको ज्वाइन कर देते हैं। सो ये बेसिक मीनिंग होता है।
और इंटीग्रेशन का यूज कहां पर करते हैं? इट इज यूज टू जॉइन अप फिजिकल क्वांटिटीज. समझ में आया कि डिफरेंशिएशन का यूज किस लिए करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो स्प्लिट करने में छोटे छोटे पार्ट्स में, और डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज किस में करते हैं? उनको जॉइन करने. लिखो एक Yes, sir. Yes, sir. So, अब हम बस पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन. So, basic idea समझ में आया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का. डिफरेंशिएशन का basic idea है कि इसमें हम छोटे छोटे parts में divide करते हैं, और इंटीग्रेशन का basic idea है कि इसको हम join कर लेते हैं. ठीक है? So, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन. Differentiation of a mathematical function. कि किसी भी mathematical function का differentiation कैसे करते हैं? ये हम सीखेंगे सबसे पहले. जैसे मान लो एक function है y is equal to f of x. इस function का meaning क्या है? Y is a function of x. Why is the function of x? Y depends. y depends upon x. इसका मतलब क्या है कि y depends upon x. इसका मतलब ये था ना, फंक्शन में हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, y is equal to 2x plus 3. बराबर. अगर जैसे मान लो x की वैल्यू है 1 तो y कितना होगा? 2 plus 3, 5. अगर मान लो मैं x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करूं, जैसे मान लो मैंने कर दिया 1.001, x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज की मैंने, ज्यादा चेंज नहीं की है, थोड़ी सी, पहले 1 थी, अब मैंने 1 से कितना कर दिया 1.001, तो y कितना होता है? 5.001 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.002 हो जाएगा प्लस 3, तो 5.002 ये हो जाएगा भाई. तो इधर देखो, अगर y से फंक्शन ऑफ x, ये क्या है, y x का फंक्शन है, कि अगर मैं x की थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूं तो y में भी थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा. ऐसा नहीं कि y में चेंज नहीं होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो y में भी थोड़ा सा चेंज आता है. जैसे कि यार इस एग्जांपल में आपको बताया. सो जब भी y इज ए फंक्शन ऑफ x हो, तो अगर आपको x को स्लाइटली चेंज करोगे तो y में भी थोड़ा सा चेंज होगा. ये सब समझ में आए सबके बात? हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में जब भी हम बात करेंगे तो एक फंक्शन को लेंगे सबसे पहले. जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे? एक फंक्शन का. किसका? मैथमेटिकल फंक्शन का. तो मैंने एक फंक्शन लिया y is equal to f of x.
तो इस फंक्शन में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है. y डिपेंड्स अपॉन x. सो इफ वी चेंज x स्लाइटली, y विल आल्सो चेंज स्लाइटली. समझ में आ गया? सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे इसको थोड़ा डाल देते हैं, तो इट मींस इससे आगे क्या लिख सकता हूं, इट मींस इफ x changes slightly, then y will also change slightly. ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन में का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं. अब देखो व्हेन एवर डिफरेंशिएशन का होता है, अल्टीमेटली मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा आपको याद रख के सॉल्व करना है, बट पहले डिफरेंशिएशन का फीलिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है. समझ में आया? सो वो ट्राई करो समझने का कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, it is always related to differential change. अब देखो इस लाइन का क्या होता है. Whenever we talk about differentiation, हम क्या पढ़ रहे हैं, differentiation की बात कर रहे हैं. So whenever we talk about differentiation, it is always related to differential change. Differential change मतलब ये भी लिख सकता हूँ. Differential change means very slight change, बहुत छोटा सा change. जब भी हम differentiation की बात करते हैं तो differentiation का meaning क्या होगा? Differential change. Differentiation में हमेशा छोटा सा change की बात करेंगे. Whenever we talk about differentiation, it is always related to differential change. So what is differential change? Differential change means very slight change. जैसे कि मैंने example से लिखा हूँ. Example क्या लिखा था मैंने? Y is equal to 2x plus 3. तो x की value मैंने 1 ली थी. So y कितना आया था? 5. अब x की value 1.001 कर दूँ. तो देखो x में कितना change हुआ? बहुत बड़ा change हुआ है, छोटा सा? छोटा. Slight change. इस छोटे से चेंज को बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.002. 0.002 कितनी हो जाएगी? 2.002 प्लस 5.002. तो x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में भी थोड़ा सा चेंज है. इस थोड़े से चेंज को बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज. और जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम इस डिफरेंशियल चेंज की ही बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? यहाँ पे क्या लिखा मैंने? Whenever we talk about differential, it is always related to this differential change. तो मुझे बताओ x में कितना differential change है? 0.001. कितने का differential change किया मैंने? 0.001 का. x में change कितना आया? 0.001 का. इसको denote करते हैं dx. What is dx? Differentiation in x. Differential change in x is denoted as dx. Differential change in x is denoted as dx. So dx का मतलब कि देखो दो चीज होगी. अगर मैंने x की value 1 से x की value 2 कर देता, x की value 1 से x की value 2 कर देता, तो ये छोटा सा change है या बड़ा change है? बड़ा change sir. ये बड़ा change है. तो जब भी बड़ा change होता है तो उस change को हम बोलते हैं delta c. डेल्टा एक्स कितना है? 1. कितने का चेंज है? तो जब भी बड़ा चेंज होता है तो डेल्टा एक्स सिंबल उसको बड़े चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से. किससे करते हैं? डेल्टा एक्स से. बट अगर छोटा सा चेंज हो तो उसको डिनोट करते हैं डीएक्स. पर डिफरेंशिएशन में हम किसकी बात करते हैं? बड़े चेंज की या छोटे चेंज की? छोटे चेंज. स्मॉल चेंज. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिफरेंशियल चेंज. बहुत छोटा सा अगर कोई चेंज होता है तब हम उसका डिफरेंशिएशन की बात करते हैं. और वो क्या बात करेंगे अभी समझ में आएगा. लाइन बाय लाइन समझो अभी. जैसे मैंने हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन.
सो डिफरेंशिएशन ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन में मैंने लिया है ये फंक्शन y = f(x). इसका मतलब क्या है कि y x पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये फंक्शन एग्जांपल। तो y डिपेंड्स अपॉन x, इट मींस इफ x चेंजेस स्लाइटली y will also change slightly. यहाँ पे मैंने slightly क्यों लिखा? क्योंकि differentiation में हम थोड़े से change की बात करते हैं। Whenever we talk about differentiation, it is always related to differential change. समझ में आया? What is differential change? Differential change means very slight change. अब इस example से समझो। कि मैंने एक example लिया y is equal to 2x plus 3. इसने x की value 1 रखी है तो y 5 आया। अब अगर मैं x में थोड़ा सा change करूँ, जिसको बोलते हैं differential change, मैंने x को 1.001 कर दिया, तो y कितना हो जाएगा 5.002। तो x में कितना चेंज आया 0.001 का, इसको किससे डिनोट करते हैं dx से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? डिफरेंशियल चेंज इन x। तो अगर मैंने x में ये थोड़ा सा चेंज किया तो y में भी चेंज आया, y में कितना चेंज आया 0.002। इसको कैसे डिनोट करना मतलब dy। तो यहां पर लिख लेता हूं, अभी कुछ मत लिखना, मैं बोलूंगा उसके बाद लिखना। डिफरेंशियल चेंज इन x इज डिनोटेड एज dx। x में जो डिफरेंशियल चेंज करते हैं हम, छोटा सा चेंज, उसको किससे डिनोट करते हैं dx। ये dy dx से बार बार पढ़ोगे आप आगे समझ लो इनका मतलब क्या आता है dy dx का। ठीक है, डिफरेंशियल चेंज इन y इज डिनोटेड एज dy। तो समझ आया? So, dx का मतलब क्या है? Differential change in x. dy का मतलब क्या है? Differential change in y. What is the meaning of differential change? Very slight change. Differential change means very slight change, very small change. या फिर ऐसे बोलते हैं elemental change, बहुत छोटा सा change. समझ में आया? इतना लिखो, यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. अभी differentiation पूरा नहीं हुआ, अभी बस हम basic थोड़ा सा try करेंगे समझने का। तो ये लिखो पूरा, फिर आगे बताता हूँ। डन सर, सबने लिख लिया? डन सर। नो सर। Done sir. Done. Done sir. No sir. Decode. Mm-hmm.
अबाटा यस सर यस सर So again, y is equal to f of x ये function था. So हमने क्या देखा? अगर हम x को slightly change करें थोड़ा सा, तो y भी थोड़ा सा change हो जाता है. ये example मैंने समझाया. So एक बार और समझते हैं इसको. If x changes by dx, अगर x में थोड़ा सा change हो, इसको क्या बोलते हैं? dx. What is dx? Differential change in x means very small change in x. अगर हम x को dx थोड़ा सा change करते हैं, तो y will also changes by. बताओ y कितने से change होगा? dy. Yes, very good dy. तो अगर मैं x को x की जगह x plus dx रख दूँ इस function में, जैसे 1 की जगह 1.001 रखा था, वैसे अगर मैं x की जगह x plus dx रख दूँ तो y में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. y बन जाएगा y plus dy. y क्या बन जाएगा? y plus dy. तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं x की जगह x plus dx से function को चेंज कर दूँ तो y भी चेंज हो जाएगा. y बन जाएगा y plus dy. ये समझ में आया? अभी हमने करके देखा ना इसमें कि x को मैंने 1 से 1.001 किया तो y 5 से 5.002 हो गया. तो x में कितना चेंज किया dx का, तो y में कितना चेंज किया है dy का. यहां तक समझ में आ गया? यस सर. यस सर. अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग. देखो फंक्शन क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे इसी एग्जांपल से समझते हैं. इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है. कि वापस से ये एग्जांपल लेता हूं, y is equal to 2x plus 3. अगर x equal to 1 था तो y equal to 5 था. अगर मैंने x को 1.001 थोड़ा सा चेंज कर दिया तो y हो गया 5.002. तो dx कितना है? x को कितना चेंज किया मैंने? x में चेंज किया मैंने 0.001 का. तो y में कितना चेंज हो गया? 0.002. समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला y, ये देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि y is a function of x. तो जब भी कोई एक वेरिएबल दूसरे का फंक्शन होता है, डिपेंड करता है, तो उसी का डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट करते हैं. सो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इसको कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू किस पे डिपेंड कर रहा है? x x पर. तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? y का x के रिस्पेक्ट. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने x को थोड़ा सा चेंज किया तो उसके कंपेयर में y कितना चेंज होगा. जैसे मैंने x को 0.001 से चेंज किया तो y कितने से चेंज हुआ? 0.002 से, मतलब 2 टाइम्स चेंज हुआ, डबल हो गया चेंज उसमें. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना है? 2. इसका मीनिंग क्या है कि x में अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो y उसका डबल चेंज हो जाएगा. डिफरेंशिएशन आपको क्या बताएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपको क्या आईडिया देगा कि अगर सर आप x को थोड़ा सा चेंज करो तो y में उसका डबल से चेंज है. ये आईडिया मिलता है आपको डिफरेंशिएशन से. और इसका फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे वो धीरे धीरे पता लगेगा. समझ में आया क्या कि सर x को अगर आपने 0.001 से चेंज किया तो y में 0.002 का चेंज आएगा. मतलब जितना भी आप x में थोड़ा सा चेंज करोगे y में उसका डबल चेंज होगा. ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो आंसर कितना आया? 2. कि x में थोड़ा सा चेंज करो तो y में उसका डबल चेंज आ रहा है. तो कैसे आया? कैसे निकाला मैंने कि y में जितना चेंज हुआ अपॉन x में जितना चेंज हुआ, मतलब dy by dx. फिर हमें आंसर मिला dy कितना था?
0.002 dx कितना था 0.001 तो आंसर कितना है 0.002 में 0.001 का डिवाइड करोगे तो 2 आंसर है समझ में आया तो डिफरेंशिएशन तो जब भी जैसे ये फंक्शन y का फंक्शन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं y का और किस पे डिपेंड कर रहा है x पे तो y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x पर तो क्या लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज द रेशियो ये क्या होता है रेशियो होता है ना किसका differential change in y upon differential change in x so differentiation of y with respect to x is the ratio of differential change in y it means dy to differential change in x it means dx so differentiation to y ka x ka function hai so differentiation of y short mein likha hum with respect to x is equal to kya hoga dy upon dx ye hota hai iska ki x ka agar aap thoda sa change karo to uske compare mein y ka kitna change hoga usko bolte hain dy by dx What is the minimum dy by dx? Differentiation of y with respect to x. समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. देखो. Done, sir. Done. Done, sir. No, sir.
अब जैसे मान लो अगर फंक्शन होता y is equal to function of t होता, मतलब t टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dt. Yes. dy by dt. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dt. कि हम t को थोड़ा सा चेंज करते t plus dt से, तो y में थोड़ा सा चेंज आता y plus dy का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t is equal to क्या हो जाता है dy by dt. समझ में आया? सो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? आउटपुट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में? इनपुट के रिस्पेक्ट में. तो यहां पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dt. समझ में आया? लिख लो इसको भी. So dy by dx, dy by dt, ds by dt, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में. Differentiation of one variable with respect to another. तो जिस पे भी डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं. उसके रिस्पेक्ट में, उसके किसी भी, जिस कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन पे जब डिपेंड करता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो कितने टाइम्स चेंज हो रहा है. जैसे मैंने t को थोड़ा सा चेंज किया dt से, तो उसके रिस्पेक्ट में y कितने टाइम्स चेंज हुआ dy से, तो ये होगा रेशियो ऑफ dy by dt. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे y is equal to 5x plus 3, ये फंक्शन है. आपसे पूछा फाइंड dy by dx. dy by dx means डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकालने को बोला है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x plus dx से, तो उसके कंपेयर में y चेंज हो जाएगा y plus dy से, है ना. तो x की जगह x plus dx रखो और y की जगह क्या आ जाएगा y plus dy. इस इक्वेशन में मैंने पहले क्या किया, x की जगह रख दिया x plus dx, थोड़ा सा चेंज किया तो y में भी थोड़ा सा चेंज हो गया y plus dy. अब इसको ओपन कर लो, 5x plus 5dx plus 3 is equal to y plus dy. अब देखो इक्वेशन क्या था, y equal to 5x plus 3 था, y equal to 5x plus 3, तो 5x plus 3 से तो y कैंसिल हो जाए. समझ में आएंगे? यस सर. तो हमें क्या निकालना है, dy by dx, तो dx को ले जाओ, तो dy by dx क्या है, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी, रिपीट करो ना फिर. रिपीट करता हूँ, देखो इक्वेशन गिवन है y is equal to 5x plus 3, आप समझो find dy by dx, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है dy by dx. तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन, जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो we talk about differential change. Differential change मतलब मैंने x को x plus dx से चेंज कर दिया थोड़े से, तो y में स्लाइट चेंज होगा. अगर मैं x को स्लाइट चेंज करूंगा x plus dx से, तो y में चेंज हो जाएगा ना y plus dy से. चाहो तो ऐसे कर लो इसको, y is equal to 5x plus 3, x equal to 1 रखो, तो y कितना आएगा, इसमें x equal to 1 रखो, y कितना आएगा, 8, और x equal to 1.001 रखो, तो y कितना आएगा, 8.002. 1.001 into 5 करोगे तो 5.005 आएगा, plus 3 करोगे तो 8.005 आएगा. तो मुझे बताओ x में change कितना हुआ, 1.001 minus 1 कितना हुआ 0.001, y में कितना हुआ this minus this कितना हुआ 0.005, तो dy by dx क्या होगा, 0.005 upon 0.001, point से point cancel, तो answer कितना है 5, तो वही तो आया answer.
समझे समझ गए ऐसे भी समझ लो एक बार कि x की जगह जैसे मैंने x की जगह x plus dx 1 की जगह 1.001 रखा तो y की जगह y plus dy हो गया 8 की जगह 8.005 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जिस इक्वेशन में x की जगह x plus dx रखता तो y भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा y plus dy अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो 5x plus 5dx plus 3 तो y equal to 5x plus 3 तो given था y से 5x plus 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा dy is equal to 5dx तो dx नीचे आ जाएगा तो dy by dx is equal to क्या बचेगा 5 so इस ये आपको dy by dx आपको क्या बताता है कि x में अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो y में उसके 5 टाइम्स चेंज होगा आंसर क्या है 5 x में अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो y में उसके 5 टाइम्स चेंज होगा ये रेट ऑफ चेंज बताता है डिफरेंशिएशन क्या बताता है रेट ऑफ चेंज कि x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है तो यहां पर ये 5 टाइम्स चेंज होगा Done, sir. y is equal to x square plus 3x plus 5 इसमें आपसे पूछा find dy by dx find dy by dx तो हमें पता है x की जगह हम किससे रिप्लेस कर दें x plus dx अगर x को हम थोड़ा सा चेंज करें तो y में भी थोड़ा सा चेंज होगा y की जगह क्या लिखेंगे y plus dy तो इस इक्वेशन में x की जगह x plus dx लिखो y की जगह y plus dy और फिर सॉल्व करो तो y की जगह क्या लिखेंगे y plus dy is equal to x square तो x plus dx का whole square ठीक है plus 3 into x की जगह क्या लिखेंगे x plus dx plus 5 समझ में आया यहां तक तो y plus dy is equal to अभी ब्रैकेट ओपन करो x square plus dx का होल स्क्वायर plus 2x dx plus 3x plus 3 dx plus 5 ठीक है अब इस इक्वेशन में देखो y किस के इक्वल है x square plus 3x plus 5 तो x square plus 3x प्लस 5 से तो y कैंसिल हो जाएगा हुआ कि नहीं हुआ समझ में आया कि नहीं आया यस सर अब देखो ये dx क्या होता है dx बहुत छोटा होता है ना dx yes, sir. differential change in x small तो बहुत very very small होता है तो उसका स्क्वायर करो आप वो छोटे नंबर का स्क्वायर करो तो और छोटा हो जाता है पता है कि नहीं पता जैसे यस सर 0.1 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 0.1 * 0.1 तो एक ये हो जाएगा 0.001 और छोटा हो गया ना तो बहुत स्मॉल नंबर का स्क्वायर करो तो वो तो और छोटा हो जाता है तो इसको तो हम नेगेटिव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है क्योंकि dx खुद एक छोटा सा नंबर है तो उसका स्क्वायर तो और बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं तो क्या बचा रहे dy is equal to क्या क्या बचा 2x dx plus 3 dx हमें क्या निकालना है dy by dx तो इसमें से dx कॉमन निकाल लो तो इधर क्या बचेगा 2x plus 3 तो dy by dx क्या है
अब देखो तो बहुत लॉन्ग मेथड है, इसके अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पता हो तो बार बार इतना लंबा मेथड थोड़ा ना करेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मूला पता हो तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लियर करवाने के लिए बताया ये सब मेथड कि dy में dx का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन से क्या पता लगता है, डिफरेंशिएशन से रेट ऑफ चेंज पता लगता है किसकी, कि कोई भी एक क्वांटिटी के दूसरे रिस्पेक्ट में, कि y x का फंक्शन है तो y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, ये पता लगता है डिफरेंशिएशन से। डन सर। डन सर। डन सर। सब लिखो। सर इसे और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक और बार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अभी तो हमसे सिंगल पूछा है, इसका मतलब है वन टाइम डिफरेंशिएशन, उसको बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन, वो भी पढ़ेंगे बाद में, पहले एक बार सीखो। ओके सर। हो गया? यस सर। सो हमने डिफरेंशिएशन समझ लिया, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लिया, इससे हमें क्या मिलता है ये समझ लिया, तो मेरे ख्याल से आपको जो जो समझ में आ रहा होगा मैं रिवाइज करता हूं। डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशियल चेंज इन y अपॉन डिफरेंशियल चेंज इन x, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ। इसको बोलते कैसे, dy by dx को कैसे बोलेंगे, कैसे रीड करेंगे इसको, ऐसे सिंपल तो बोलेंगे dy by dx, बट इसको रीड कैसे करेंगे पूरा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx का कैसे रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये होता क्या है dy by dx, इससे मिलता क्या है कि x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx, rate of change of y with respect to x, ये भी लिख लो एक बार। कि एक बार पूरा लिख लेते हैं, जैसे y is a function of x हो, तो differentiation of y with respect to x is the ratio of differential change in y upon differential change in x, ये होता है dy by dx। ठीक है, तो इस dy by dx का और मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ dy by dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ dy by dt का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t, समझ में आया, लिखो।
अब देखो ये हमने कैलकुलेट करना भी सीखा कि x की जगह x plus dx रख दो, y की जगह y plus dy रख दो और सॉल्व कर लो, बट वो बहुत लॉन्ग मेथड है। हम फॉर्मूला वाइज सीखेंगे। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर डिफरेंशिएशन करके कि कैसे होगा डिफरेंशिएशन। सो अब हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखो कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, तो सबका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, सुना मैं देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जो कि मैंने एग्जांपल लिया था अलजेब्रिक फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे मान लो ये फॉर्मूला इसका, जैसे मान लो y is equal to x की पावर n, ये अलजेब्रिक फंक्शन, n is any number, y is equal to x की पावर n, तो ये y is a function of x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx होगा। अब इसका फॉर्मूला है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, देखो पावर आगे आ जाती है n into x की पावर n minus 1, n आगे आ जाएगा और पावर में एक पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे y is equal to x square, ये एक इक्वेशन दी है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है आपसे कि फाइंड dy by dx, तो इसका dy by dx होगा, वो फॉर्मूला लगाओ इस पे, n की वैल्यू कितनी है यहां पर, 2, तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर पूछेगा 2 minus 1, तो आंसर कितना है, पावर कितनी बची, 2 minus 1 मतलब 1, तो x की पावर 1 x से होगा, 2x, तो आंसर 2x, आंसर कितना है आपका 2x। एक और एग्जांपल है, अभी सिंपल सिंपल चला रहा हूं, y is equal to 3x cube, y is equal to 3x cube, इसका आपसे पूछा है फाइंड dy by dx, तो इसका dy by dx होगा, देखो 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है, उसको तो मल्टीप्लाई में रखेंगे। अब x क्यूब का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं, वैसा का वैसा छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब का, तो x क्यूब का पावर कितनी है 3, n की जगह क्या 3, तो 3 आगे आ जाएगा और पावर में बचेगा 3 माइनस 1 मतलब 2 बचेगा, तो 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, और 3 पहले से था तो 3 * 3 मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है क्या बाहर 3x क्यों लिखा है, 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 इक्वेशन में गिवन है, अगर इक्वेशन में 3 गिवन नहीं होता तो आंसर फिर यही आता, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा तो 3x क्यूब का 9x स्क्वायर होगा, ओके सर समझा, हां सर थैंक यू, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, x क्यूब का करके दो 3 आगे आ जाएगा बचेगा x स्क्वायर, तो इसके आगे का एक और 3 है तो यहां पर लगेगा ना सबके आगे, हां सर समझ में, जैसे यहां पर मान लो 2x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर का 2x आया तो 2x स्क्वायर का आएगा 4x, उसका डबल हो जाएगा, ओके सर समझ में आ गया, हां हां सर समझा समझा। अब सेकंड फॉर्मूला लिखो, y is equal to constant, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये था, अगर y is equal to any constant number तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
जीरो जीरो होगा इसका जैसे y इक्वल टू टू फॉर एग्जांपल y को इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो क्यों होगा जीरो जीरो क्योंकि y की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी डिफरेंशिएशन तब कब होता है जब वैल्यू चेंज हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y यहां पे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ही नहीं हो रहा है y तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y तो जीरो आएगा ना y की वैल्यू तो फिक्स है ना y इक्वल टू टू मतलब y की वैल्यू टू रहेगी x कुछ भी कर दो आप ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है और y की वैल्यू फिक्स है 2 तो y में कोई चेंज ही नहीं होगा और जब कोई चेंज ही ना हो तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है समझ में आया सर वापस एक बार समझाइए ना y इक्वल टू 2 तो y तो फिक्स हो गया यस y इक्वल टू 2 तो y तो फिक्स हो गया ना तो मतलब dy कितना होगा जीरो y अगर कांस्टेंट हो तो dy जीरो होगा ना हमेशा dy मतलब क्या होता है स्लाइट चेंज इन y तो y तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज इन y कितना हुआ जीरो इट मींस dy क्या हुआ जीरो तो dy पे dx भी क्या होगा इसका जीरो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखो जीरो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो अभी देखो फिर एग्जांपल करवा दो सर वापस एक बार बताओ ना नेट गया था देखो ये 2x 2 आगे लेके आ गया 2 तो मल्टीप्लाई पे गए x x की पावर n n कितनी है 1 तो ये फार्मूला लगा दो n x की पावर n का डिफरेंशिएशन याद रखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू की पावर n माइनस 1 तो n की जगह 1 पुट कर दो यहां पर इस फार्मूले में तो n की जगह 1 पुट कर दिया मैंने तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 तो x की पावर 0 बचा x की पावर 0 क्या होता है 1 तो 2 * 1 कितना आएगा 2 आंसर आएगा यही तो आंसर आया था आपने क्या था ना सॉल्व
एक और क्या कहता है, एक और ये क्वेश्चन किया था y is equal to 5x plus 3 ऐसे कुछ किया था जिसका आंसर 5 आया था, तो बताओ इसका क्या है, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 होगा, x का 1 होता है तो 5x का 5 होगा और 3 का क्या होगा 0, तो डिवाइड बाय x कितना आया 0 स्क्रीन हटाओ तुम लोग, क्या क्या हटाना है, सर एक बार लास्ट वाला प्रॉब्लम वापस बताइए तो, जैसे 2x का 2 होता है वैसे 5x का 5 होगा, x का 1 होता है उसके मल्टीप्लाई में 5 है, तो 1 into 5 कितना आएगा 5, यस ठीक है, और देखो एक और ये क्या था हमने, y is equal to x square plus 3x plus 5, ये भी क्या था, बहुत बड़ा सा आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर आया था इसका, अब देखो इधर एक ही बार में आएगा कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx by dx x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x 2 into x करवाना, 2 तो 2 आ गया जाएगी और x की पावर 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x अभी क्या था ना हमने x स्क्वायर का 2x होता है, 3x का क्या होगा, 3 होगा और 5 का क्या होगा, 0 0 ये तो आंसर आया था, ये आया था ना आंसर, यस सर, चलो ये करो, ये तुम निकालो इसका, सर 1/2 रूट है, क्या आया 1/2 रूट है, यस इसका आपसे क्या पूछा है, डिवाइड बाय dx, ठीक है, सो x की पावर रूट x मतलब x की पावर 1/2 होता है, तो चाहो तो इसको अभी फर्स्ट टाइम आप ऐसे लिखेगा x की पावर 1/2, तो a की जगह कितना है 1/2, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 1/2 पुट कर दो तो dy / dx क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 ये बनेगा, यस सर, तो n 1/2 x 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2 ये हो जाएगा, यस सर, अब और सॉल्व करो, तो x की पावर माइनस 1/2 को अगर मैं नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में 1/2 तो ये बन जाएगा x की पावर प्लस 1/2, ये समझ में आया, यस सर, और x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट x, तो इसका आंसर क्या है 1/2 रूट x, समझ में आया क्या, यस सर, यस सर, तो ये हमें आता है इसलिए इसको मैं फॉर्मूले में इसलिए ये 1 2 फॉर्मूला नंबर 3 बोल देता हूँ इसको,
कि y अगर is equal to root x है तो इसका हम याद ही रखो, बार बार इतना निकालने के लिए टाइम वेस्ट ही करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by 2 क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो ये बार बार काम आएगा, y is equal to root x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by 2 root x, भूल जाओ तो ऐसे निकालना है, समझ पाए, डांसर डांसर
डन सर डन चलो बोलते जाओ मैं तुम खुद बोलोगे इसका आंसर इसका क्या होगा 18x2 6 और 3 आ गया जाएगा तो बनता है 18x2 हो जाएगा एक पावर डाउन में ठीक है देन इसका क्या होगा माइनस 3/x2 माइनस 3/x2 यस माइनस 3/x 1/x का होता है माइनस 1/x2 ये फॉर्मूला में होता है याद रखते प्लस तो ये माइनस 3/x2 हो जाए टू कांस्टेंट में रूट x का क्या होता है 1/2 और इसका जीरो 2 से 2 कैंसिल तो ये आंसर समझ में आया यस सर यस सर यस सर कौन था ये कर लो सर वो 7x रेज़ टू 6 है या 0 है 6 है ये 6 है हो गया हाँ सर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डिवाइड बाय dx x की पावर 4 तो 4 आगे आ जाएगा तो 4 और बचेगा क्या x क्यूब अपॉन 8 तो 4 से 2 का कैंसिल हो जाएगा ये समझ में आया यस सर प्लस ये 1/7 तो कांस्टेंट है x की पावर -6 x की पावर 1 और x की पावर 6 है तो इसको अलग से लिख के ऐसे कर लो x की पावर -6 तो -6 आगे आएगा और बचेगा क्या x की पावर -7 ये समझ में आया एक -6 से -7 हो जाएगा ये समझ में आया कि नहीं समझा सर सर समझा तो इसको वहां लिखेंगे हम तो क्या बनेगा ये मल्टीप्लाई में -6 अपॉन एक्स की पावर 7 ठीक है प्लस अब 2/5 ये मल्टीप्लाई अब x की पावर 5/2 का x की पावर 5/2 का अलग से कर लो तो 5/2 x की पावर 5/2 -1 तो
तो पाई बाय 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3 बाय 2 तो यहां पे पुट कर दो तो 5 बाय 2 x की पावर 3 बाय 2 ठीक है सो 2 बाय 5 से 5 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस ये बचा 2 का 3 तो ये आंसर आया ये आया सबका हाँ सर Yes, sir. So differentiation of algebraic function हो गया. अब हम पढ़ेंगे differentiation of trigonometric function. Differentiation of trigonometric function. जैसे trigonometric function कौन-कौन से होते हैं? Sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x. ठीक है? So अगर function है y is equal to sin x, तो इसका differentiation क्या होगा? dy by dx. और ये फॉर्मूला है हमने आपको इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x सही ना ठीक है देन सेकंड फंक्शन क्या है y is equal to cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है याद रखना ऐसा फॉर्मूला अभी कभी याद रख लो cos x का डिफरेंशिएशन होता है minus sin x ठीक है Then formula number third, y is equal to 10x. So this ka differentiation, 10x ka differentiation hoga sec square x. Okay? Then formula number four, y is equal to cot x. So this ka differentiation hoga minus cosec square x. Then formula number five. कौन कौन से हो गए साइन का हो गया कोस का हो गया टेन का हो गया कोट का हो गया अब क्या आएगा सेक एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स देन फॉर्मूला नंबर सिक्स वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स लिख लो आंसर हेलो सर यस सर वो पिछले वाले एग्जांपल में 1/7x^6 को अगर हम पहले 7x^-6 करके फिर उसका डिफरेंशिएशन करें तो चलेगा क्या था क्वेश्चन x^6/7 सॉरी ये था ना 1/7 x^6
यस सर क्या बोलिए आप तो अगर 7x raise to minus 6 कर दे 7 तो नीचे है ना 7 ऊपर थोड़ा ना जाएगा सेवन तो वन बाई सेवन है वो सेवन अपॉन एक्स की पावर सिक्स नहीं है ओके ओके सर सॉरी थैंक यू क्लियर यस सर तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं इसके लिए एग्जांपल कर लेते हैं जैसे y is equal to x square plus 10x इसको करो डेफिनेशन क्या होगा इसका सर 2x plus x square x सर 2x plus x square x यस डिफरेंशियल होगा dy by dx x square का होगा 2x tan x का होगा sec square x ठीक है y is equal to 1 by x cube plus cosec x इसका minus 3 x to the power 4 minus cos into cosec x आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा minus 3 x raised to minus sir minus 3 minus x raised to minus 4 minus cot x plus cosec x dy by dx 1 by x cube तो x की पावर minus 3 बनेगा एक x की पावर minus 3 बन जाएगा तो minus 3 आगे आएगा और पावर क्या हो जाएगी x की पावर minus 4 तो नीचे जाके हो जाएगा x की पावर plus 4 समझ में आया समझ में आ गया यस सर cosec x का क्या होता है minus cosec x cot x ठीक है सो फॉर्मूला याद होगा तो ये कर पाओगे वरना ये नहीं कर पाओगे समझ में आया डिफरेंशियल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें टोटल सिक्स फॉर्मूले साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का होता है सेक टेन एक्स के बाद कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स देन सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स एंड कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स ये सारे छह फॉर्मूले आपको याद रखना है बता दो अब थर्ड कौन से टाइप का फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है अब इसमें फॉर्मूला नंबर वन y is equal to ln of x ये कौन सा लॉग है इसका बेस कितना है
to the base a, is called by 1 by x ln of a. Then exponential function का y is equal to e की power x, इसका e की power x ही होता है. Y is equal to a की power x, इसका होता है a की power x ln of a. इतने सारे formula आपको याद होने चाहिए. ठीक है? कर लोगे आप? Yes. ये algebraic, ये trigonometric, ये logarithmic, वो exponential. अब देखो, जैसे अभी तक हम जो एग्जांपल कर रहे थे, जैसे ये वाला मैंने करवाया था x स्क्वायर प्लस 10x या फिर x स्क्वायर प्लस sin x, इसका क्या होगा? डिवाइड बाय dx क्या होगा? x स्क्वायर का 2x sin x का cos x. ये तो हमें करना आता है, आता है कि नहीं आता है? बट अगर क्वेश्चन ऐसा हो y इक्वल टू x स्क्वायर इनटू sin x, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन sin x, तो ये कर सकते हैं क्या? फिर प्लस माइनस वाले तो कर सकते हैं, जैसे यहां माइनस होता तो इसका आ जाता है 2x माइनस cos x, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले अभी तक नहीं किए. ये भी एक्सप्रेशन नहीं, तो इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नए रूल सीखने पड़ेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट रूल. ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? जैसे इस रूल से हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे y is equal to x sin x, ऐसे मल्टीप्लाई कर y is equal to x into ln of x, ऐसे दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई है तो उसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल. तो कैसे करेंगे इसको देखो, जैसे मान लो इसका रूल का फॉर्मूला क्या है, जैसे y is equal to है u into v. y is equal to क्या है? u into v, product of two function है, तो u और एक v, u भी x का function है और v भी x का function है. जैसे for example y is equal to x square into sin x, तो ये तो हो गया u और ये हो गया v, x square तो हो गया u और sin x हो गया v, तो दोनों क्या है? x के function है. समझ में आया? Yes sir. तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये x का ही तो फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy by dx. ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, u को as it is लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे. v का क्या होगा? dv by dx. u को as it is लिखेंगे, v का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, v को as it is लिखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे du by dx. ये फॉर्मूला है इसका. जैसे इधर देखो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx. पहले क्या करेंगे, u को लिखेंगे, u कौन है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर की जगह से लिखो. अब sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या होता है? cos x. cos x, cos x प्लस, अब sin x को लिखेंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा x स्क्वायर का? 2x. 2x, क्या ये समझ में सबको? या फिर से बताओ. तो आंसर क्या है इसका? x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x. समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये तुम करो.
हेलो सर डन डन सर वो फर्स्ट वाला एग्जांपल वापस समझाओ ना इसके थ्रू ये समझ में आ रहा है देखो किस किस का हो गया सर हो गया डन सर देखो फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब भी दो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में एक तो जैसे एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे dy / dx पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को लिखो e की पावर x लिख दिया सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x प्लस अब सेकंड वाले को देखो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो e की पावर x का क्या होता है ex e की पावर x ये आंसर है समझ में आया क्या हां सर समझा फर्स्ट वाला भी आ गया आप इसको डाउट पर हां सर मल्टीप्लीकेशन तो इसको ऐसा कैसे लिखो x की पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर ठीक है टेन एक्स का क्या होगा और आगे बीच में क्या लगेगा फॉर्मूले में क्या था बीच में प्लस अब टेन एक्स को ऐसा कैसे लिख दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो x की पावर 4 का क्या होगा 4x³ प्लस 5x² का क्या होगा 5 * 2 10x समझ में आ गया यस सर अगर इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं कर सकते हो ना मल्टीप्लाई कर दो इन सबको वो कैलकुलेशन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है हमें तो फॉर्मूला लगाना सीखना है फॉर्मूला हमने किस स्टेप पे लगा दिया सो अगर प्रोडक्ट बोले अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे किया जाता है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब डिवाइड वाला भी सीखते हैं क्वेश्चन टू
जैसे ऐसा फंक्शन y इज इक्वल टू sin x अपॉन x स्क्वायर, तो इसको अभी करना आता है क्या? नो सर, नहीं आता। तो इसके लिए जैसे मान लो y इज इक्वल टू दो फंक्शन u / v, एक के डिवाइड में दूसरा, इसको क्वेश्चन रूल लगेगा इसे, तो इसका फॉर्मूला भी है, क्या फॉर्मूला है? dy / dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर लो नीचे, उसका स्क्वायर करके लिख दो, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर ऐसा कैसे लिखो, और जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन करो du / dx, माइनस लगाओ बीच में, इसमें माइनस आता है इसमें, उसमें प्लस आता है इसमें माइनस आया, फिर ऊपर वाला ऐसा कैसा लिखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो dv / dx, जैसे ये फॉर्मूला इसमें लगाता हूं, ये एग्जांपल है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy / dx, तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको ऐसे कैसे यहां लिखो x स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन sin x का cos x, बीच में माइनस आएगा, फिर sin x को ऐसा कैसे लिखो ऊपर वाले को और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन into 2x, ये समझ में आया? Yes, sir. देखो और ये आगे समझ में, तो ये करो, क्या है आंसर? dy / dx is equal to, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिख दो x का क्यूब, इसका स्क्वायर क्या होगा x की पावर 6, फिर इसको ऐसा कैसे लिख दो x क्यूब, फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस, फिर tan x को ऐसा कैसे लिख दो और x क्यूब का क्या होगा 3x, ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो सब तो बात की बात है, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए है ना, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर नीचे x की पावर 6 से वो कैंसिल भी होगा, दो पावर उसकी कैंसिल हो जाएगी, तो वो सब अभी करने की जरूरत नहीं, अभी फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। Done, एक और देता हूँ, वो कर लो, इसका कर डन सर, डन डन dy / dx इज इक्वल टू
सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, 10x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, टोटल याद होना चाहिए अभी के अभी। फिर इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 10x प्लस e की पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का क्या होता है, cos x, cos x, और cos x का माइनस sin x, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस 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 साइन एक्स प्लस कोस एक्स को ऐसा कैसा लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, टेन एक्स का क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स की होगा, ये आंसर आया, यस सर, लिख रहा था। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भेजूंगा ग्रुप में, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना है, ठीक है सर? मैं नहीं हूँ सर। क्या? मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर। एक काम करो, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर? मेरे पास आपका नंबर नहीं है। मेरा मेरा नंबर तो होगा ना, मैंने दिया था ना लास्ट क्लास में। आप कौन से सेंटर से हो सर? मैंने अभी ज्वाइन किया है, मतलब बोरिवली सर। ओके, तो जो 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 लेक्चर्स हो चुके हैं उनके वीडियो लिंक भी हमारे पास, तो देख लेना आप एक बार। ओके सर। ठीक है सर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं होमवर्क दूंगा, वो करके लाना है, ठीक है? ओके सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।